स्वागत है। आज मैं त्रिलोक गोगिया रिपोर्टर कैमरामैन सहयोगी के साथ आज यहाँ पर हम आए हुए हैं सिंधु बॉर्डर पर। किसान आंदोलन यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। यहाँ पर पूरा लंगर का इंतजाम है और सभी सेवादार सेवा कर रहे हैं और मेरे पीछे आप देखोगे कि यहाँ पर मेडिकल की भी सुविधा उन्होंने दी हुई है और मेडिकल जिनको जहाँ कोई परेशानी है या कोई ऐसा कोई इनको बीमार है तो बुजुर्ग है उनके लिए ये मेडिकल की सेवा यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर मेरे जितने भी किसान भाई आए हुए हैं आप देख रहे हो पूरी शांतिपूर्ण ढंग से ये इनकी बात नहीं सुनी जा रही। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि जो 29 तारीख की इनकी जो मीटिंग होने वाली है उसमें इनका कोई हल निकलना चाहिए। MSP पर इनको गारंटी मिलनी चाहिए। हम इसी बातों के साथ हमारे बुजुर्ग खड़े हुए उनसे बात करूंगा। आपके तो भी होगी जिला तरन तारण मेजोर की नाम तो ना हरजीत सिंह यादव। हरजीत सिंह यादव से हम बात करेंगे कि कितने दिन से वो यहाँ पर है। आप कितने दिन से यहाँ पर? 25 तारीख से आए हैं। 25 तारीख से आए हुए हैं। एक महीने तो हो गया लगभग। आज 32वां दिन हो गया इनका शांतिपूर्ण ढंग से ये किसान आंदोलन का। तो और आप क्या इस बारे में बताएंगे हमें थोड़ा सा? हम ये बताना चाहेंगे कि जो मोदी ने काले करोड़ किसानों पर थोपे हैं, हाँ जी, इसने जो ने लाया लॉकडाउन वह करके सू किसान अंदर वाड़ के नहीं सड़ते डालिया समान पर अं इनू इग्नोर करते हैं कि जो किसान आ बिना नहीं जी सकता। किसान की मौत के वरंटे आए जो काले करोड़ बनाए हैं इन्हें किसानी भी तबाह होगी, साडा मजदूर भी तबाह होगा, दुकानदार भी तबाह होगा, रेहड़ी वाला भी तबाह होगा। ये कोई भी वर्ग बचूगा नहीं। जिन्ना शहरी लोग आ वह भी तबाह होने क्योंकि डालियां पालिया ने व्डे सैलो खुलन गए उतों इन्होंने समान मिलेगा। निक्की दुकान तो कोई समान नहीं मिलेगा। ये शुरुआत आ यह दो तिना साल जरा पूरा चिट्ठा उगाड़ी आऊगा किसानों के मजदूरों के और दुकानदार के शहरी लोगों के भी जी किसानों का साथ नहीं भी लोग दे रहे उन्होंने किसी दिन पछता पूगा। किसान जो अंदोलन सही लड़ते थे असी लोग गलत। आपने अभी सुना कि सिंह साहब का ये कहना है कि इसमें हर तबके का आदमी इफेक्ट होगा, बेशक वो मध्यम वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, सभी या इस आंदोलन से जो 3 कानून बने हैं वो उसी से सारा अफेक्ट होंगे। जी जब ये अडानी जब ये नाम ले रहे हैं कि अडानी और अंबानी ये सारा रसद ले लेंगे तो वो अपने मनमर्जी से माल खरीदेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन का जो शांतिपूर्ण ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है वो कामयाब हो और आने वाले समय में जो इनकी मीटिंग है वो कामयाब हो और इनका कोई मसला निकले। वो इतनी ठंड के अंदर यहाँ पर ये बैठे हैं, पंजाब और हरियाणा के और काफ़ी महाराष्ट्र काफ़ी स्टेटों से यहाँ लोग आए हुए हैं, उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं। तो मेरी केंद्रीय सरकार से भी ये निवेदन है कि जो 29 तारीख की मीटिंग है उसमें इनको कुछ ना कुछ हल निकले और MSP पर इनको गारंटी मिले और जो कानून में जो त्रुटियां हैं जिससे कि आप इतनी ठंड में आप कुछ कहना चाहते हैं? तीनों कानून वापिस आते हैं। इनका कहना यह है कि जब तक तीनों कानून जो काले कानून है जो इन्होंने जबरदस्ती किसानों पर थोपे हैं वो वापस होने चाहिए। हम और आगे चलते हुए किसानों से बात करेंगे। बिल्कुल छोटी सी बात है, मोदी साहब बोलते हैं कि किसान अपनी फसल किसी भी स्टेट में लेके बेचे, वो एक ट्राली भर के बॉम्बे जाएगा बेचने, उसका कितना खर्चा आएगा? अगर वहाँ 200 रुपए क्विंटल माल तो भी मिलेगा उसको। तो ये कौन सा आप क्या समझा रहे हो किसानों को यार, है ना? तो दिमाग से करो बात। इनका कहना है एक छोटा किसान दिल्ली से या पंजाब से या हरियाणा से कोई छोटे से शहर से वो आप कह रहे हो कहीं भी जाके बेच सकता है। तो इनका यही कहना है कि जितना तो वहाँ कमाई नहीं होगी उससे ज़्यादा तो इनका ऊपर खर्चा आ जाएगा, पूरा खर्चा आ जाएगा। नंबर दो ये है सर, ये बोल रहे हैं कि हमने खुली मंडियां कर दी हैं। अब जो अंबानी अडानी बड़े पैसे वाले सरमाएदार लोग हैं वो अपनी हमारी सरकारी मंडी जो ऑलरेडी चल रही है
उसके बराबर में एक ऐसी मंडी बना देगा, किसान जाएगा ट्रॉली लेके 15 मिनट में कंप्यूटर कंडे पर तोल के वापस, है ना, ले जी पर्ची बन गई, पैसा लो, कैश जाओ, ठीक है। और वो 100 रुपये फालतू भी देगा शुरू में क्विंटल पर क्विंटल, लेकिन जब 2-3 साल में हमारी सरकारी मंडियों को कुछ आमदनी नहीं होगी तो गवर्नमेंट अपने आप बोलेगी यार हमारी मंडी को तो बंद करो, ठीक है। नहीं, इसका बाद में वो प्राइवेट वाला बोलेगा यार मेरे को घाटा पड़ गया, अब तो मैं वो 1800 रुपये वाली कणक चीरी जो भी है उसको मैं लूंगा 1200-1000 रुपये क्विंटल, तब किसान कहाँ जाएगा? मोदी साहब बताओ, ये इनका ये जो बात है बिल्कुल जायज मांग है इनकी कि अगर 1.5 साल के अंदर सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियों का वहाँ पर कब्जा हो जाएगा तो वहाँ पर इनका फिर कैसे काम चलेगा। अभी हमने पीछे भी देखा कि जो इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी मंडियाँ 45 मंडियाँ बंद हो चुकी है, तो किस दावे से ये कह रहे हैं कि सरकारी मंडियों का हम बंद नहीं होने देंगे और प्राइवेट को जैसे ही चाहेंगे वैसे होगा? तो हम आगे बात करते हुए और किसानों भाइयों, बिहार में सर MSP 2006 में तोड़ दिया था इन्होंने, 2006 या 2004 में, उसके बाद किसान कितना का खुशहाल हुआ, कुछ भी नहीं, वो बेचारे भूखे मरते। इधर हमारे पंजाब हरियाणा में दिहाड़ी करने आते हैं, जिम्मेदार हैं वो, कोई 8 एकड़ का मालिक है, कोई 10 एकड़ का, कोई 15 का, उनको कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पर, ये सच्चाई है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हम MSP की गारंटी दो, गारंटी का मतलब लिखित गारंटी, लिखित में रिटर्न में दो, ताकि ये बेचारे किसान लोग जो हमारे अन्नदाता हैं इतनी ठंडी में, जो आप सभी लोग बार बार पीट करा रहे हो कि ठंडी में पड़े हैं, वो किसी वजह से पड़े हैं, वो आपकी बातों में नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान की एक यमुना गंगा की तहजीब बोला जाता है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक तरह से यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे या कुछ हमारे जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी पूरी सेवा यहाँ कर रहे हैं, तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप देख रहे हैं इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, और यहाँ जो हमारी भारतीय संस्कृति है यमुना गंगा की जो तहजीब है, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रकार के लोग यहाँ पर हैं और सभी यहाँ किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं। कुछ हमारे मुसलमान भाई भी देखो यहाँ पर पूरी ताकत से यहाँ पर बैठे, आप ये देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर महिलाएं भी पूरा किसानों का साथ दे रही है। और मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना घर बार छोड़कर इस किसानों के साथ एक से कंधा मिलाकर ये आशा यहाँ पर खड़ी है। तो मैं कैमरामैन तिवारी से कहूँगा कि मैं इनकी भी थोड़ी सी आप देख रहे हैं आगे, आपको मैं दिखा रहा था कि कैसे किसान अपना शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्य अपना आंदोलन चला रहे हैं और ये पूरी अपनी तैयारी के साथ आए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि महीना डेढ़ महीना, जब तक ये तीनों कानून, इनकी मांग जो है तीनों कानून जब तक वापस नहीं होते ये यहाँ से हिलेंगे नहीं, उसको भी तक 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए या 10 महीने लग जाए। तो मैं केंद्रीय सरकार से भी निवेदन करूँगा कि वो कुछ ऐसा लचीलापन लाए जिससे कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो। हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग, 2 मिनट लूँगा बाबा जी, बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा उम्र में भी वो यहाँ पर बैठे हैं। की नाम है थोड़ा? अमराव सिंह। जब तक नहीं जाएंगे तो 6 महीने लग गए या 2 महीने लग गए। कितों दी आए तुझे? चमकौर साहब डिस्ट्रिक्ट रोड पर। कितनी उम्र है तुम्हारी? 80 साल। 80 साल, आपने देखा कि 80 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ये पूरा संघर्ष कर रहे हैं। और इनकी एक ही मांग है कि जो काले 3 कानून है उनको रद्द किया जाए और इनकी बात मानी जाए। और ये पूरे रसद के साथ, पूरी तैयारी के साथ, आपने देखा कि लंगर के भंडार, चाय के भंडार और ये पीछे पानी के भंडार, पूरी तैयारी से यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो 29 तारीख को मीटिंग होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो इनकी 7वें दौर की मीटिंग है वो हम ऐसा सोचते हैं कि वो कामयाब हो और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो और पूरा इनका जो आने वाली जनरेशन है ये उनके बारे में सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में जब ये सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियों में इनका माल बिक नहीं पाएगा,
तो आगे क्या होगा। तो इसी बात में और हमें आगे और आगे लेके जाता हूँ और आपसे बात करूँगा। एक और हमारे बुजुर्ग है, दो मिनट तो की नाम है की उम्र थोड़ी 60 साल की असिता मंग साड़ी को है भी जैता है पूरी तरह मंगता ठीक है नहीं तो असी इट्टा मंगा के और शेड पा लेने ने असी चाहे 2 साल लग जाना असी और जाना नहीं है जी वो मन की बात है ना ये साढ़े भी मन की बात है जब साढ़े मन की बात नहीं बुझता असी मन की बात सारी बुझ चुके हैं आपने इनकी बात सुनी हमारे सिंह साहब की ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं माने या केंद्र सरकार नहीं मानी तो हम यहाँ पर पूरा ईंटों के साथ पक्का यहाँ पर शेड बना देंगे और 2 साल तक रहेंगे। हमारे बीच में हमारी माता जी भी आई हुई है। कहाँ से आए हुए आप? मैं मोगे तो आई हूँ पंजाब। पंजाब से कितनी उम्र है? 40 साल। 40 साल उम्र है और आप देख रहे हैं कि कैसे इन किसानों के साथ महिलाएं भी अपने घर बार छोड़ के बच्चे छोड़ कर इनका साथ दे रही हैं। तो मैं इनका उनके थोड़े से व्यूज भी लेना चाहूंगा कि इस बारे में इनका क्या कहना है। मैं कहना चाहनी हाँ भी साढ़े मन की बात तो सुनी गई, बहुत मन की बात सुन ली, हम मैं आपके मन की बात दस दी मन की बात भी की होगा साढ़े सिख भरा की करे इतने की करे इतिहास रचिया जाऊगा। एक इतिहास रचिया जाऊगा भी उन्होंने अडानी अबानी अमित शाह मोदी चार दया इतने कबर बन गई ਕਵਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए और इनकी बातें मानी जाए और काले जो 3 कानून है वो वापस लिए जाए क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कब्रों वाली। ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇਨ ਮਹਿਲਾਓਂ ਮੇਂ ਵੀ ਔਰ ਇਤਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ और ये पूरी तैयार के साथ आए हैं कि तीनों कानून वापस होने ही चाहिए, हर हालत में होने चाहिए। एक मैं होर दस देनी हूँ, जिन्ना पंजाब साडा पिछे आ उदू दुगना पंजाब इत्थे वस चुकिया है। इत्थे असी इत्थे मारता इत्थे असी पंजाब इत्थे साडा रखना, जे तुसी ना मन्ने अद्धी दिल्ली ते अद्धा पंजाब इत्थे ही रहूगा इकट्ठे, बस असी साडा ही राज होवे। अभी आपने देखा कि यहाँ पर 80 साल के बुजुर्ग, 85 साल के बुजुर्ग और 50 साल की महिलाओं से हमने बात करी। अब हमारे यंगस्टर जिसे हम युवा बोलते हैं और आगे आने वाले 10 साल तक इस कानूनों का क्या असर होगा और साथ ही और जो आगे जनरेशन है उनके जो आर्थिक प्रगति है हिंदुस्तान की उस पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं यंग जनरेशन या युवा है उनसे मैं ये बात करना चाहूँगा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है जी? गुरिंदर जी। कितों दी? पटियाला। कितनी उम्र है थोड़ी? 28 साल उम्र। दसो जी तुम अंदोलन चल रहा है और पूरा अज 25वां दिन है, तुम इस बारे की सोचते हो कि अगे जो मंडियां खुल रही प्राइवेट या होर जो काले कानून जिनों आए ने उसके बारे थोड़ा की कहना है? जी मोदी ने काले कानून लाए कितने ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੁੜਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਜੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਹੈਨਾ? ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
आपने देखा कि पिछले 60 दिन रेलवे लाइन पंजाब के अंदर इन्होंने वहाँ धरना दिया, उसके बाद पिछले आज 32 दिन से यहाँ सिंधु बॉर्डर पर यहाँ पर जमे हुए हैं, और साथ ही इनका ये कहना है कि आप मोदी जी कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी हमें मन की बात समझा लें, पर जब तक तीनों कानून यहाँ वापस नहीं होंगे हम यहाँ से वापस नहीं जाने वाले, ये इनका सीधा सीधा कहने का यही मकसद है। जय हिंद, जय भारत। पीछे बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। आज केंद्रीय सरकार की ऐसी क्या नौबत आ गई है कि अपने पूरे परिवार के साथ इस किसान आंदोलन में शामिल है, और साथ ही और आप एक चीज़ और बता दूं, आज अपना घर बार छोड़ के छोटी बच्ची का बेटा थोड़ा आ गया, छोटी बच्ची का भी जन्मदिन, अभी ये ताज़ा केक कटा है कि ये बच्ची का जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया है। बेटा आपका नाम क्या है? वाहिनूर कौर। कितनी उम्र आपकी? 10 साल। आप ये देख रहे हैं कि 10 साल के 7 साल के बच्चे भी इन किसानों के साथ, और हमारे जो युवा वर्ग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखो कि इतना हजूम है, यहाँ लाखों किसान महिलाएं बच्चे हैं, और ये सफाई का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, और पूरा जब भी यहाँ कोई कूड़ा होता है पूरा इसका ध्यान रखते हैं, यहाँ ऐसी कोई बीमारी ना पैदा हो जाए कूड़े से। तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, युवाओं का जो ये सफाई की सेवा कर रहे हैं। तो मैं बात करूँगा हमारे सिंह साहब बैठे हमारे साथी बैठे पिछले 32 दिन से और पिछले 60 दिन से किसानों ने पंजाब के अंदर रेलवे लाइन पर धरना दिया, वहाँ कोई हल नहीं निकला, और आज 32वां दिन है यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बम्पर पैदावार हो जाती है तो एग्रीमेंट से मतलब अपना इनकार कर देते हैं, उसका फार्मा बना के भी हमको ये आपके मापदंड पे सही नहीं कर रहे, कुछ कुछ बहाने लगा के जाए। इनका कहना ये है कि अभी आप बता रहे हैं कि MSP जो है, और ये बता रहे हैं कि प्राइवेट मंडी आ जाएंगी, तो पिछले काफ़ी टाइम से इन्होंने एक मिसाल दी आलू की, कि आलू की बम्पर जब फसल हो जाती है तो वहाँ पर टैप्सी हो या और कोई बड़ी कंपनियाँ हैं वो इनसे पहले बात कर लेती हैं, ठेका ले लेती हैं, और जब बम्पर आलू हो जाता है तो वो फिर पीछे हट जाती हैं। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो 23 धान की फसलें हैं, गेहूँ हो गई, उसमें और भी काफ़ी चीज़ें हो गई, तो उसका भी ये हाल होने वाला है, और ये इफेक्ट सब पे पड़ेगा, खाली किसानों पे नहीं, गरीब तबका, खासकर मध्यम वर्ग पर इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें जो आज गेहूँ आराम से आटा 23-24 रुपये किलो मिल जाता है, तो आने वाले समय में वो आटा हो सकता है 40-50 रुपये किलो भी मिले। तो इनका ये आंदोलन खाली हमारे जो अन्नदाता है, किसान आंदोलन है, ये खाली ये अपने लिए नहीं कर रहे, एक ये आम पब्लिक के लिए भी कर रहे हैं। तो उनका एक मैसेज पूरी तरह ये है कि इसमें जब तक आम पब्लिक भी इसमें जुड़े और मोदी सरकार का विरोध करे, और तीनों जो कानून काले कानून है वो वापस हो। हमारे एक युवा साथी बैठे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है तुम्हारा जी? सर मेरा नाम है जी प्रितपाल सिंह हवेली, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के कौमी प्रधान है जी। अच्छा, रोपड़ तो? ये रोपड़ से कौमी प्रधान है हमारे की नाम दसिया प्रितपाल सिंह जी, इनसे बात करेंगे ये इस आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आपने देखा ये जो संघर्ष चल रहा है ये शांतमय संघर्ष है, इसे आपने देखा होगा एक युवा ने यहाँ पे मैरिज भी करवाई है यहाँ पे संघर्ष में। तो आज आपने देखा ये साढ़े सिस्टर है संदीप कौर, ये अपनी बच्ची का जन्मदिन यहाँ सभी के साथ मना रहे हैं। सो हम यही कहना चाहते हैं सरकार को, ये शांतमय संघर्ष है, जो आपने 3 काले कानून बिल पास किए हैं तो उनको जल्द से जल्द रद्द किया जाए, वरना ये अपना यहाँ पे घर बना लेंगे हम, यहीं पे जो हमारे समागम होंगे हम यहीं पे मनाएंगे सभी। इनका कहना यह है कि मोदी सरकार, केंद्रीय सरकार ये तीनों कानून रद्द करे या कोई बीच का रास्ता भी निकले, जिससे कि जो इनकी समस्याएं हैं, जो इनकी मंडी की समस्याएं हैं या MSP की समस्याएं हैं या
तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेडिकल कैंप अकाल, तो इनके चैनल के रिपोर्टर भी यहाँ खड़े हैं। मैं इनसे ये अकाल चैनल के रिपोर्टर भी यहाँ खड़े हैं और ये वीडियो बना रहे थे, तो मेरा भी मन किया कि मैं इनसे ये जो ये कैंप है ये इनकी तरफ से ही है, इनके जो अकाल मेडिकल कैंप है ये पूरी सेवा जो कर रहे हैं, तो मैं इनसे शिक्षा थोड़ा नाम किए तजेंद्र सिंह जी जो अकाल एड के चैनल के रिपोर्टर है, तो उनसे मैं बात करूंगा कि वो उनका किसान आंदोलन और जो ये मेडिकल कैंप लगा रखा है इनका क्या है सेवा। हमारे पास मेडिसिन है पूरी जो हमें जरूरत पड़ती है, जैसे भाई लिखवा देते हैं, जैसे वो डॉक्टर साहब ने बताया ना चरण भाई ने कि दवाई भी लिखते हैं हम अलग से दूसरी सेवा में दे रहे हैं। यहाँ साबुन है, सर्फ है, शैम्पू है, पग पिन है, जैसे पगड़ी बांधते हैं हमारे पगड़ी बांध के लिए हमें दो तीन चीज़ की जरूरत पड़ती है, पिन लगती है कि भाई नहीं लगाते उसकी है, सिलाई की जरूरत सिलाई दे रहे हैं, कंधा हमें जरूरत पड़ती है कंधा दे रहे हैं, आम कंघिया रखी शीशा रखा हुआ। हम तो ये कहते हैं कि आपको जरूरत है ट्रॉली के लिए एक दो शीशे भी हमारे पास लेके जा सकते हैं, हर एक ट्रॉली के लिए शीशे रखे हुए हैं, सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ प्रोवाइड करके देते हैं। साबुन है, नहाने वाला साबुन है, कपड़े धोने वाला साबुन है, सर्फ है, ग्लव्स हैं, बनियान्स वगैरह जो नीचे गर्म कह सकते हैं हम वो है, लोअर्स है जो गर्म अंदर डालने के लिए, ऐसी जो भी सहूलत हम दे सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के लिए हम खड़े हैं। आपने देखा कि सिंह साहब ने बताया कि छोटी सी पिन है जो आमतौर पर भूल जाते हैं लोग, जो पगड़ी में ये लगाते हैं अपनी पगड़ी साहब में, तो वो ये पिन है ये आमतौर पर यहाँ आसपास शायद नहीं मिलती, तो इस कैंप में इन्होंने वो भी इंतजाम किया हुआ है और साथ में साबुन, तेल, सर्फ, हर चीज की जो ग्लव्स और ये डिब्बी है ये, तो आप देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ये मुहैया यहाँ पर करा रहे हैं और इस किसान आंदोलन को सफल बनाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये रोजमर्रा का सामान है जो पिन गिर भी जाती है, कभी गुम भी हो जाती है क्योंकि छोटी चीज है, हाथ से फिसल भी जाती है, तो वो भी यहाँ तक इन्होंने रखी है। तो मैं बहुत बहुत अकाल जी जराब जैसे बता रहे हैं तावल कहते हैं तावल, आज एक भाई ने मुझसे ना कल आया भाई आए इसी वजह, वो मुझे कहने लगे मेरे पास पहनने के लिए मैं कोटी लेके जैकेट लेकर आया, मैंने उसको ला के दे क्योंकि हम कारी सेवा रहे हैं तो सेवा में कोई भी आ सकता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जिसको जहाँ पर कुछ चीज की भी जरूरत है वो यहाँ पर इसको मुहैया करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब का, और अकाल जो दिखा रहे हैं, हम भी मीडिया से हैं, आप भी मीडिया अच्छे फर्ज निभाए क्योंकि जो बुरा करेगा वही बात आ गई। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो आम पब्लिक है, जो आम किसान है, उसके जो दिल में है, जो बड़े बड़े चैनल है वो सच्चाई नहीं दिखा रहे और वो पूरा का पूरा झूठ दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन है ही नहीं, यहाँ मुट्ठी भर किसान है। और आप मैं तकरीबन पिछले 15 किलोमीटर से पैदल चल के यहाँ आ रहा हूँ, मैंने आपको दिखाया कि ये कितना किसान है, लाखों की तादाद में किसान आए हुए हैं। तो जो बड़े बड़े चैनल है मैं उनसे भी जो पत्रकारिता पर एक सवाल खड़ा करते हैं कि उनको भी सच्चाई दिखानी चाहिए या जमीन पे आकर उनको देखना चाहिए कि जो यह किसान है वो एक सच्चा किसान है। बड़ा कोई घर तो नहीं बन गया, आप भी बड़े हो गए यार, आप किसानों के बीच में ये भाई ऐसे लोग हैं, बड़े हम भी बन सकते हैं, हम भी बड़े हैं। जो हमारा मीडिया है ना बड़ा स्ट्रांग है, आजकल जिसके पास फोन है वो मीडिया है, हर एक के पास है, पर आप बात कर रहे हैं उसको किसने बड़ा बनाया, इन लोगों ने एडवर्टाइज दी, इन लोगों ने पैसा दिया, इन लोगों ने टारपोट गाना तो आज आया ना, सरकारें तो आज आई है, या ये पहले किसान नहीं था, यहाँ किसान तो शुरू से है, खाता किसका है, वो टारपोट गाना किसका खा रहा है, हम बात करें ये मीडिया की, गोदी मीडिया किसका खा रहा है, बात क्यों नहीं करते। हाँ सरकार की बात रखो, पक्ष रखो सरकार का, क्यों हमारे फर्ज है, हम मीडिया से हैं, सरकार का पक्ष रखो, ऐसा पक्ष ना रखो कि हम सरकार के पास गिरवी हो जाएं, ऐसा पक्ष ना रखो बेच दिए जाएं, बेच जाओगे नाम खराब हो जाएगा, नाम फिर बन सकता है अच्छा मीडिया बनोगे, तो याद रखो गोदी मीडिया ना बनो, सरकार का पक्ष रखो और किसानों की बात करो साथ में, फिर साथ में इनका कहने का मेन मकसद है केंद्रीय सरकार के पक्ष रखते हुए जो जमीनी स्तर पर यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, लाखों से करोड़ों यहाँ पर किसान टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर लाखों किसान यहाँ पर हैं, तो कहने का मतलब ये है जो बड़े बड़े चैनल हैं वो सच्चाई नहीं दिखा पा रहे। अभी भी आपने जो एड रिपोर्टर से बात करी कि उनका कहना यही है कि वो सच्चाई दिखाएं और ये ना कहें यह सिर्फ चंद किसान ही है। मैं ये कह रहा हूँ ये असली किसान तो यहाँ पर ही बसा हुआ है, असली किसान यहाँ आंदोलन कर रहा है,
असली किसान जो है यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है, उसकी जो तीन मांगे हैं उसको माना जाए। और उसका मेरा निवेदन भी है कि केंद्र सरकार इसमें थोड़ा कदम बढ़ाए, जो उनकी जायज मांगे हैं एमएसपी पे हैं, या कानून में कोई गड़बड़ी है, या तीनों काले कानून में कुछ संशोधन करना चाहती है। जो 29 तारीख को यहाँ पर मीटिंग भी है उनकी, तो वो किसी हल तक पहुंचे, यही मैं कहना चाहता हूँ कि इनका कोई बीच का रास्ता निकले कि ठंड के मौसम में ये कैसे यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। और बार बार मैं इनका धन्यवाद करता हुआ, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, और इतने बड़े बड़े यहाँ पर लंगर, चाय का स्टॉल, मेडिकल, और ये आपको बता दें कि देखो कितनी बड़ी बड़ी ये कढ़ाइयाँ यहाँ रखी हुई है, पीछे वो देखे हैं ये कितने एक टाइम पे ये बड़ी बड़ी कढ़ाई का कितने एक बार में बन जाता होगा। देखो जी ये आपका जितना भी लंगर चल रहा है इंटर हिसाब से चल रहा है, देखो तुम अमृतसर जिला किसान मजदूर लेके 25 तारीख तो आए हैं, जितने भी जम्मू पार्टी के इलाके हैं सारे तोड़ के आए हैं। इतने जड़ा भी केंद्र बनाया, जिन्नी भी ट्राली लियांदी है सारियां विच राशन 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं। इनका कहना यह है कि ये बड़े बड़े ये पंजाब से खास है अमृतसर जिला से, और ये उनकी तरफ से ही ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अच्छा ये दिल्ली गुरुद्वारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सर जी है, आप प्रधान है। तो आप देख रहे हो कि पूरी जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इन किसानों की कैसे सेवा में लगी हुई है, और इतनी बड़ी बड़ी देखे हैं। इनका कहना है कि इसमें एक बारी में लगभग 3-4 हज़ार लोगों का खाना तैयार हो जाता है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा, तो ज़्यादा कुछ बोल इधर करो मेरे यार। हाँ जो किसान जिन्ना भी आया है 10,000 तो खाना बन जाता रोज 10,000। ये हमारी बीबी यहाँ है, माता जी कह लो या बहन जी, तो ये यहाँ पर सेवा कर रही है लंगर की गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी दिल्ली के तरफ से। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो इतनी ये सेवा लगातार दिन में रात का दिन में ये पूरा लगे रहते हैं, इतनी इसके बारे में कुछ बताएं और किसान आंदोलन के बारे में कुछ बताएं। ये जो किसान आंदोलन 26 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, उस दिन तो लैके आज के दिन तक असं सवेरे डेली 10-10:30 बजे इतने आते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो लंगर की सेवा और इतने रहन की सेवा, मतलब कछहरे तक रजाइया तलाइया कंबल मेडिकल सुविधा, और दिन रात 24 घंटे जो लंगर चलता है, बहुत ही अच्छे तरीके नाल इत्थे सेवावां निभाइयां जा रही हैं, और सेवादार भी बहुत ही अच्छे तरीके नाल सेवा करते हैं। और असी जब तक यह संघर्ष चलेगा असी किसान वीरां दे नाल है, जब तक इन्हां नूं इंसाफ नहीं मिलता असी इन्हां दे नाल खड़े हैं मोढ़े नाल मोढ़े। इनका मोटा मोटा कहना यह है कि जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा तब तक ये इनका लंगर ऐसे ही पानी चलता रहेगा। आप पीछे देखें तिवारी जी, वो देखो कितने सिलेंडर पड़े हैं, और कितने बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, और कितने बड़े बड़े देग हैं। ये पूरा इनका जो सब्जी है कटरी है, और उसके बाद यहाँ पर उनका अब ये कढ़ाई में तैयार है बनने के लिए शाम के लिए। ये पूरी सेवा जो लोग कर रहे हैं, मैं इनको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जो इतनी सेवा किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं। तो बार बार मेरा आपसे नमन है, धन्यवाद।